राहुल जी, आमतौर पर फिल्में शुक्रवार को रिलीज होती हैं, मगर बेशर्म को बुधवार को रिलीज किया गया है। फिल्म आपने देखी है, आप उसका रिव्यू हमें बताएं। देखिए, 2 अक्टूबर को रिलीज करने के पीछे कारण ये भी था कि इस हफ्ते का एक्स्ट्रा छुट्टी का फायदा प्रोड्यूसर उठाना चाहते थे। और फिल्म अच्छी है, मैं देख के आया हूँ। इसमें रणबीर टाइटल रोल कर रहे हैं बेशर्म का। फिल्म में रणबीर का किरदार बबली का है, जो कि एक अनाथ बच्चा है। अब जिस अनाथ आश्रम में वो पला है, उस अनाथ आश्रम में कुछ और बच्चे भी हैं, और उन्हें पालने की जिम्मेवारी अब इस बबली पे है। ये बबली, जैसे कि टाइटल कहता है, वैसे तो बेशरम तो है ही, लेकिन अच्छा क्या है बुरा क्या है इसकी भी उसको समझ नहीं है। अब इन बच्चों का पालन पोषण करने के लिए और इस अनाथ आश्रम का चूल्हा चलाने के लिए ये कारों की चोरी करता है। इसी चोरी में इसके पीछे ऋषि कपूर और नीतू सिंह, जो कि चुलबुल पांडे और बुलबुल पांडे के नाम से पुलिस कर किरदार निभा रहे हैं, इसके पीछे पड़ जाती है। इसी चोरी चकारी के दौरान इसकी मुलाकात फिल्म की हीरोइन पल्लवी सरदा से होती है, जो तारा का कैरेक्टर कर रही है। लेकिन ये बबली बेशर्म इस तारा के प्यार को समझ नहीं पाता और उसको छोड़ के चला जाता है। तो बबली के जो पीछे पुलिस वाले पड़े हुए हैं, इनमें ऋषि कपूर तो है थोड़ा ईमानदार दिल का, लेकिन नीतू सिंह है थोड़ी ही बेईमान टाइप की पुलिस वाली, और अपना घर का खर्च चलाने के लिए वो अपने पति को रिश्वत लेने के लिए उकसाती रहती है। इसी भागा दौड़ी में, चूहे बिल्ली की दौड़ में ही फिल्म का एंड हो जाता है। फिल्म पूरी मसालेदार है, जिनको ये तर्क अच्छे लगते हैं ना, क्यों क्या कैसे हो गया, उनके लिए तो ये फिल्म है नहीं। लेकिन जो लॉजिक को घर छोड़ के आए और फिल्म को एंजॉय करने के लिए आए, उनके लिए ये फिल्म एक मास एंटरटेनर है, ऐसा मेरा मानना है। जी, धन्यवाद राहुल जी।